अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में हम विश्व यूनिवर्सिटी का कोर्स पाकिस्तान स्टडीज 302 का टॉपिक नंबर 7 अटेंड करने वाले हैं। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। अब टॉपिक नंबर 7 का बेसिकली टाइटल है हिस्टोरिकल मूवमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब कि जो आपकी हिस्टोरिकल जो मूवमेंट थी पाकिस्तान की क्रिएशन में, उनका क्या जो था वो रोल था, जिस तरीके से उन्होंने इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया, इन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो आपकी हिस्टोरिकल क्रिएशन हिस्टोरिकल मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई थी आपकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ, जो कि आपकी 1857 में जंग आज़ादी लड़ी गई थी। इसमें डिफरेंट किस्म के जो थे वो आपके एस्पेक्ट्स जो थे उनको इनकम्पस किया गया था, जैसे कि पॉलिटिकल थे, सोशल कल्चर, इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, और ये जो फैक्टर्स थे आपके, इन्होंने इवेंचुअली जो था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के, और ये जो था मुस्लिम्स के, साउथ एशिया के जो मुस्लिम्स थे, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू इस्टेब्लिश किया था। सेकेंडली ये कि जो डिस्कशन है ओवरऑल चैप्टर की, ये एक्सप्लोर करिए डिफरेंट किस्म के सिग्निफिकेंट रोल्स जो कि मूवमेंट ने प्ले किए थे ओवरऑल इस इवेंट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिस्कस किया जाए तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में 1857। सो दिस इज समथिंग कि यहाँ पे हुआ क्या कि जो आपकी नेचर कह लें या जो आपकी वॉर थी ओवरऑल, ये जो वॉर थी इसको आप इंडियन रिबेलियन के तौर पे भी मतलब इसको कहा जाता है। रिबेलियन मीन्स बागी। अभी ये हुआ ये कि मेजर जो प्रोमिनेंट इसमें कुछ लोग थे, जैसे कि जिसके बाद ये अनसक्सेसफुल हो गई थी। अब इसके मूवमेंट के अनसक्सेस होने के बाद जो था ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी का अपराइज स्टार्ट हुआ था, और 10 मई 1857 को मेरठ और जो उसके प्रोफाउंड अफेक्ट्स है वहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का काफ़ी ज़्यादा जो हिस्सा था वो उनके पास आ चुका हुआ था। इकोनॉमिक और सोशल कल्चर नेचर की बात करें अगर इसकी, तो अब हुआ ये कि जो इकोनॉमिक और सोशल कल्चर नेचर थी, ये बेसिकली प्योरली रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट वॉर नहीं थी, बल्कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और सोशल कल्चर अपब्रिंगिंग्स भी थी। उसके अलावा जो थी इसमें जो इसका रिएक्शन जो आया उसमें यह हुआ कि जो आपके पॉलिसीज और एक्सपेक्टेशन थी जो ब्रिटिश ने बनाई थी उनको उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया था। और नेक्स्ट जो बात यहाँ पे की गई पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के बारे में, तो इसमें क्या हुआ कि वॉर की वजह से जो आपका पॉलिटिकल लैंडस्केप था वो भी काफ़ी चेंज हो गया, जिसमें आपके ब्रिटिश हिंदू और मुस्लिम का मतलब जो इंटरेक्शन थी, जो उनकी इन्फ्लुएंसिंग थी, हर चीज़ में काफ़ी डिफ्रेंसिएशन्स आ गए थे। वहाँ पे जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी उसने लोकल पॉपुलेशन को हाईलाइट किया और उनकी ज़रूरत को भी हाईलाइट किया, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि जो मुस्लिम्स थे उनका और ब्रिटिश का काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका हुआ था। अब अगर हम इसके आफ्टर मैथ्स की बात करें, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया गया सिविल की डेवलपमेंट जो कि आपकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अकर हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है एडवेंट ऑफ सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सो दिस इज समथिंग के जो इसमें डिस्कस किया गया कि वो बेसिकली हुआ क्या कि जो एडवेंट थे इसमें सर सैयद अहमद खान के एजुकेशनल रिफॉर्म्स आए। एजुकेशनल रिफॉर्म्स जस्ट लाइक इसमें सर सैयद अहमद खान एक प्रोमिनेंट मुस्लिम रिफॉर्मर थे जिन्होंने एम्फोसाइज किया था मॉडर्न एजुकेशन पर, और उन्होंने फिर एक स्कूल जो था कॉलेज सॉरी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था उन्होंने 1875 में बनाया, और बाद में वो आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था। सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो डिफरेंट किस्म के सोशल रिफॉर्म्स एडवोकेट करवाई गई थी, जैसे कि वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज की अडॉप्शन थी, उसके अलावा उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करना था। सेकेंड पर उनका काम था उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के बारे में, इसकी लैंग्वेज को लेकर। सो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट था ये आपका बेसिकली, और इसमें क्या हुआ कि इसमें यूनाइटेड प्रोविंसेस के उत्तर प्रदेश था जो कि लेट 19वीं सेंचुरी के लेट 19वीं सेंचुरी में आपके कल्चर को और आपके लिंग्विस्टिक डेविडेशन को सिम्बलाइज करा था, जो कि हिंदूज और मुस्लिम में। सेकेंडली ये कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी को भी काफ़ी हद तक उनकी जो नीड थी सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी की उसको भी अंडरस्कोर किया गया। थर्डली यहाँ पे बात की गई फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो आपकी फॉर्मेशन थी कांग्रेस की वो स्टार्ट हुई, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसको फॉर्म किया गया 1885 में, और ये प्राइमली हिंदू लीडर्स जो थे उन्होंने इसको एडवोकेट किया था, और इसके जो ग्रेट जो पार्टिसिपेंट्स थे वो ग्रेटर इंडियन मतलब कि इंडियंस के ज़्यादा लीडर्स थे जो कि इसको गवर्न कर रहे थे, बल्कि इसमें कुछ मुस्लिम्स थे जिनको मार्जिनलाइज तौर पर भी ऐड किया गया था, बट प्रीडोमिनेंटली जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो हिंदुओं ने ही मतलब उसको
इन्फ्लुएंस किया हुआ था। नेक्स्ट पे बात की गई पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, मतलब कि ब्रिटिश पार्टीशन जो था उसने बंगाल का डिवीजन किया, उसमें एक मुस्लिम मेजॉरिटी थी जो कि ईस्ट बंगाल में थी, एक हिंदू मेजॉरिटी भी थी वहाँ पे वेस्ट बंगाल में। अब ये जो ओवरऑल ये दोनों जो जगहें थी, बेसिकली जो पार्ट थे ईस्ट और वेस्ट का बंगाल का, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया कि किस तरीके से जो इनिशियली पाकिस्तान में जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने वेलकम किया है, बट बाद में वो हिंदुओं के साथ ऑपोजिशन में मिल गए और जो सारा जो इश्यूज थे वो क्रिएट हुए। नेक्स्ट बात की गई शिमला डेप्रिसिएशन की। शिमला डेप्रिसिएशन में क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने आगा खान जो थे वो लीड कर रहे थे मुस्लिम जो मतलब कि आपकी कंट्री के जो लोग थे मुस्लिम पब्लिक को, और यहाँ पे उन्होंने वाइसरे ऑफ इंडिया से मिले इन शिमला में, और उसके बाद यहाँ पे डिमांड की उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मुस्लिम्स के लिए, जो कि आपकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। ये नेक्स्ट ये हुआ कि जो डिप्रेसेशन थी इसने मुस्लिम की जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म था उसको ऑर्गेनाइज किया और उसके एक फाउंडेशन के तौर पर कंसीडर किया जाता है। सेकेंडली बात यहाँ पे की गई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे फॉर्मेशन की बात की गई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है, मतलब दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो फाउंड की गई थी ढाका में, और ढाका फिलहाल जो है वो बंगाल का कैपिटल है, और ये नवाब समीउल्लाह ने जो थी वो फॉर्म की थी, उसके कुछ और प्रोमिनेंट लीडर्स भी थे जैसे कि मुस्लिम जो कि एडवोकेट कर रहे थे आपके मुस्लिम राइट्स को। अब ये जो लीग थी इसका मेन जो था एम और उसका जो मेन गोल वो ये था कि मुस्लिम के जो इंटरेस्ट हैं उसको बेसिकली प्रमोट करे, प्रोटेक्ट करे, और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसको भी काफी हद तक वो इंक्रीज करवाए। दूसरी बात यहाँ पे की गई सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस स्टार्ट हो गई सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। ब्रिटिश ने बेसिकली जो ब्रिटिश के वाइसराय थे और जो सोलिफाई मतलब जो दूसरे उनके साथ में कंसर्न अथॉरिटीज थी, उन्होंने मुस्लिम्स की सोलिफाइड पॉलिटिकल एंटिटी में जो इलेक्टोरेट्स या इलेक्शन का जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। इस तरीके से आपकी मुस्लिम लीग की जो थी वो पूरी क्रिएशन स्टार्ट हुई, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव्स आए और ये सारा जो इसका प्रोसेस था वो चला। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन एंड मुस्लिम्स। अब यहाँ पे उसके इम्पैक्ट्स भी बेसिकली डिस्कस किए गए हैं वर्ल्ड वॉर वन के। सो दिस इज समथिंग कि यहाँ पे अगर आप स्टार्ट पे देखें तो यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। उसके खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ कि जो आपकी ये मूवमेंट थी ये इमर्ज हुई थी डिसइंटीग्रेशन जो कि ऑटोमन एम्पायर था और जो आपके थ्रेट थे खलीफाज के उसके रिगार्डिंग जो आपकी जो मूवमेंट थी खिलाफत मूवमेंट वो इमर्ज हुई थी। अब यहाँ पे जो इंडियन मुस्लिम्स थे उन्होंने उनके लीडर थे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, ठीक है। अब इन्होंने प्रोटेस्ट किया था ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट के जो टर्की में जो मसले चल रहे हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए, और फिर यह मूवमेंट जो थी वो अल्टीमेटली फेल होगी, और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम्स की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को उनकी जो यूनिटी थी उसको गैल्वनाइज्ड कर दिया था। अब फर्दर यहाँ पे कुछ की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में बात की गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डिस्कस किया गया अलाहाबाद एड्रेस के बारे में, दैट इज वेरी फेमस एड्रेस। अब इसमें क्या होता है कि 1930 में लामा इकबाल का जो ओवरऑल जो था आपने एड्रेस दिया था जिसमें आपने कहा था कि जो मुस्लिम जो हिंदू हैं वो बहुत सेपरेट नेशंस हैं, वो दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। इस बारे में डिस्कस किया गया, लामा इकबाल का विजन डिस्कस किया गया इसमें ओवरऑल, और ये एनुअल सेशन था मुस्लिम लीग का। लामा इकबाल ने इसमें आर्टिकुलेट किया था अपना विजन एक इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए, और फिर उन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो मुस्लिम जहाँ एक डिस्टिंक्ट नेशन है अपनी कल्चर के बेसिस पे, अपनी हिस्ट्री के बेसिस पे, अपनी आइडेंटिटी के बेसिस पे, और उनका पर्पज स्टेट ये था कि इकबाल ने सजेस्ट किया था कि जो क्रिएशन होगी मुस्लिम मेजोरिटी की वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होगी, मतलब कि उसमें आपका पंजाब आएगा, NWFP आएगा, सिंध आएगा और बलोचिस्तान आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई शरीफ रिपोर्ट के बारे में। सो शरीफ रिपोर्ट भी यहीं पे इसी प्रोसीजर में ऐड की गई है, जस्ट लाइक के यहाँ पर शरीफ रिपोर्ट में था कि इसमें कॉम्यूनल टेंशन्स आए थे, और जो शरीफ रिपोर्ट थी उसने हाईलाइट किया था कुछ कम्यूनल टेंशन्स को, जैसे कि आपकी जो थी नीड फॉर योर सेफ गार्ड और जो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था, ये सब चीज़ें इसमें ऐड थी। हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी हिंदू की मेजोरिटी जो थी उसको इंटरेस्ट देखने थे, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट देखने थे, हर एक चीज़ को देख के इसको रिजॉल्व आउट करना था।
नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में। सो इसमें डिमांड की गई थी अलहदा जो थी कंट्री के लिए डिमांड फॉर पाकिस्तान की बात की गई। लाहौर रेजोल्यूशन को पास करवाया गया था 23 मार्च 1940 में और उसको क्रिएशन कहा गया था इंडिपेंडेंट स्टेट के। बट वो जो प्रिंट मीडिया का सारा वो इशू बना उसके बाद उसको लाहौर रेजोल्यूशन का पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दे दिया गया था। और ये नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न इंडिया के जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे उसके बारे में डिस्कस किया गया। और जो रेजोल्यूशन है इसे मार्क किया जाता है कि एक डेसिव शिफ्ट है टू फर्दर डिमांड फॉर पाकिस्तान। टॉपिक नंबर 8 को देखें। सो यहाँ पे बात की गई पॉलिटिकल मूवमेंट जो बेसिकली आपकी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सारे मूवमेंट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डिस्कस किया गया द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। सो दिस इज समथिंग के जहाँ पे डिस्कस की गई इसकी नेचर और वॉर के बारे में क्या था। आपके 1857 में ये वॉर हुई थी और इसमें हुआ ये कि इंडियन रिबेलियन, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि एक सिग्निफिकेंट अपराइजिंग था ब्रिटिश रूल का और फिर उसमें एक मिक्स रिलीजियस ड्राइवन किए गए सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रीवेंसेज आए। ब्रिटिश वो आपके इंडियन ट्रेड में एंटर हो चुके थे और रूल हार्शली जो था वो रूल कर रहे थे। उसके अलावा उन्होंने इंडियन को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की बहुत ज़्यादा ट्राइज भी की थी और उसके अलावा उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया था इंग्लिश की कोर्ट लैंग्वेज के साथ 1885 में। और जो उसका रिबेलियन था उसकी बिगनिंग जो थी वो बॉर्डर नेशनलिस्ट मूवमेंट हुई थी सब कॉन्टिनेंट में। सेकेंडली यहाँ बात की गई है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1905 में जब ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने पार्टीशन क्या कहा था बंगाल के एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के तौर पे, जैसे कि उन्होंने कहा था कि उन्हें मुस्लिम मेजोरिटी क्रिएट करनी है जिसमें आपका ईस्ट बंगाल आएगा और हिंदू मेजोरिटी जो है वो वेस्ट बंगाल में रहती है। तो फिर जो बात जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने अपनी गवर्नेंस इम्प्रूव करने के लिए इस बात को क्लेम किया और जो हिंदूज थे उसको एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट के तौर पर देख रहे थे और उन्होंने फिर डिवाइड किया और वीकन कर दिया था उनकी मेजॉरिटी को। इसके अकॉर्डिंग जो पार्टीशन थी इकोनॉमिकली वो डिसएडवांटेज थी हिंदुओं के लिए और वह कॉन्टीन्यूस इशू था जो कि वाइट से ब्रेड तौर पर प्रोटेस्ट जिसकी वजह से किए जा रहे थे। पोलिटिकल मोबिलाइजेशन आ रही थी इस सारे उस जो था वो सिनेरियोस को देखते हुए। थर्ड पे बात की गई यहाँ पे सिमला डेपोसिएशन 1906। अब यहाँ पे जो था वो पार्टीशन को फॉलो किया गया। मुस्लिम जो थे इनिशियली सैयद अहमद खान को फॉलो कर रहे थे, उनके एडवाइजर्स को फॉलो कर रहे थे कि आप हम लोग जो है वो पॉलिटिकल स्टेट से ज़रा अवॉइड करें और उससे ज़रा स्टे अवे रहे। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। 1906 में एक डेलीगेशन आई थी मुस्लिम लीडर्स की जिसमें वो वाइसराय शिमला से उन्होंने मीटअप किया और उसमें उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की और वो एक फर्स्ट सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल एक्टिविटी थी जो कि मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ने परफॉर्म की थी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई मुस्लिम लीग 1906, मतलब जो आपकी फॉर्मेशन है जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ सिमला डेपोसिएशन में जो थी वो एक बड़ी वो कामयाबी थी आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो थी उसकी फॉर्मेशन में दिसंबर 1906 में। और ये जो लीग थी ये मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स के लिए और उनके पॉलिटिकल या उनके इंटरेस्ट के लिए एक सेफ गार्ड थी, एक बहुत अच्छा एक प्रमोशन था। और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने एक क्रूशियल रोल प्ले किया था एडवोकेट करने में आपके पॉलिटिकल सोशल नीड्स को मुस्लिम्स की। और इसकी जो फाउंडेशन थी वो बेसिकली एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू पर लेट डाउन की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। अब इसमें यहाँ बात की गई कि जो एक्ट है इसमें कुछ रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो कि आपके प्रोविंशियल काउंसिल्स को और जो ग्रांटेड मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे उनको एक्सपेंड कर रही थी। और बेसिकली इसमें हुआ ये कि इसका जो सिग्निफिकेंट एक स्टेप था वो ये था कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो चुकी थी मुस्लिम्स के लिए और उनको अलाउ कर दिया गया था कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जो है सेपरेट होकर हिंदुओं से सेपरेट होकर अपने लिए इलेक्शन वगैरह लड़े और अपने आप को एक सेपरेट मेजोरिटी के तौर पर शो आउट करवाएं। नेक्स्ट बात ये कि लखनऊ पैक्ट की 1917। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो इसकी इन्वॉल्वमेंट थी उसमें जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसने एक मुस्लिम्स के लिए एक रीन्यूड पॉलिटिकल एक्टिविज्म को जो था वो जो लेड अप किया और एक प्रमोट किया इन चीज़ों को। और फिर उसके बाद 1917 में
जो था सॉरी 1917 के बाद जो था आपका लखनऊ पैक्ट हुआ, और उसमें जो मुस्लिम लीग थी और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इन्होंने एक एग्रीमेंट को साइन किया जो कि आपका लखनऊ पैक्ट नाम से जाना जाता है। और इस पैक्ट के एक्सेप्टेंस के प्रिंसिपल ये थे, एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे, जिसका ग्राउंड वर्क ये था कि जो कोऑपरेशन है फ्यूचर की वो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज करेंगे, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी। नेक्स्ट यहाँ बात की गई जिना नैनो रिपोर्ट एंड जिना 14 पॉइंट्स के बारे में। सो यहाँ भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर नेहरू रिपोर्ट को देखें तो नेहरू रिपोर्ट में ये डिस्कस किया गया है कि जो नेहरू रिपोर्ट थी वो 1928 में ड्राफ्ट करवाई गई थी, सॉरी 1927 में ड्राफ्ट करवाई गई थी। और इसका पर्पज़ ये था कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाए इंडिया में, जिसमें मुस्लिम्स को प्रॉपरली इग्नोर कर दिया गया था, उनकी डिमांड्स को इग्नोर कर दिया गया था, और उनके जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो विजन था उसको भी इन्होंने इग्नोर कर दिया था। फिर इसके रिस्पॉन्स में कायदे आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स प्रोवाइड किए थे 1928 में। अब इसमें हुआ ये कि मोहम्मद अली जिन्ना के जो लीडर थे उन्होंने मुस्लिम लीग की डिमांड की, उन्होंने ये 14 पॉइंट्स आर्टिकुलेट करवाए थे 1928 के अकॉर्डिंग। और इसमें उन्होंने आउटलाइन किए थे कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स को, डिमांड जो थी एक फेडरल सिस्टम की डिमांड की गई, और एक स्ट्रॉन्ग प्रोविजनल ऑटोनॉमी के बारे में कहा गया, और रिप्रेजेंटेशन की गई मुस्लिम गवर्नमेंट की जिसको वो खुद एडवोकेट कर रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। अब इसमें क्या हुआ कि जो आपकी आरटीसी थी 1932-31 एंड 32, ये जो 3 साल आपकी ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सारा सिनेरियो था, इसमें जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक सीरीज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लंदन ने ऑर्गेनाइज किया था 1932 में, जिसमें उन्होंने डिफरेंट किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को डिस्कस किया था इंडिया की। अब इसमें जो थी वो कॉन्फ्रेंसेज जो कुछ फेल हो गई थी, जो कि आपके डिफरेंसेज जो थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग को रिजॉल्व करने में वो बिल्कुल फेल हो चुकी थी। फर्दर ये हुआ कि इसमें उन्होंने इंट्रेंसिंग की थी डिमांड फॉर सेपरेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे बात की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंट्रोड्यूस करवाया था, उसमें कुछ सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिसमें आपके सेपरेशन ऑफ सिंध थी फ्रॉम बम्बई, और उसके अलावा उसमें आपके प्रोविजनल ग्रांटिंग्स थी, ऑटोनॉमी की थी, उसके अलावा ये जो था एक ये शॉर्ट एड्रेस था जिसमें आपकी की डिमांड मुस्लिम्स ने की थी एक मुस्लिम लीग की, और उसमें उन्होंने कहा था एक पॉलिटिकल अनरेस्ट जो था वो कॉन्टिन्यूली चल रहा था। उसके बाद आपकी वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गई 1939 के रिगार्डिंग, और इसमें आपके लाहौर रेजोल्यूशन भी आती है। अब जो वर्ल्ड वॉर वन थी उसमें वर्ल्ड वॉर टू के जो बेसिकली ड्यूरेशन में जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेन, और जो मुस्लिम्स थे वो ऑब्जर्व कर रहे थे अ डे ऑफ डिलीवरेंस को, जो कि 1940 में आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के थ्रू जो कि लेट किया था, जिसमें आपके लाहौर रेजोल्यूशन की बात की गई और जो बाद में इंडिपेंडेंट सिटी की क्रिएशन की बहुत बड़ी वजह बन चुकी थी। अब इसमें जो मुस्लिम्स थे उनकी बात की गई कि जो नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्ट वेस्टर्न इंडिया में मुस्लिम्स हैं उनको किस तरीके से जो है वो आप लोग कैटर करेंगे, और फिर जो ओवरऑल जो रेजोल्यूशन थे उसको ऐसा कंसीडर किया गया कि वो एक फॉर्मल डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात कही गई है क्रिप्स मिशन की। सो क्रिप्स मिशन एंड क्विट इंडिया मूवमेंट दोनों मैंने इकट्ठी डिस्कस की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1942 में अगर आप देखें तो यहाँ पर डिस्कस किया गया क्रिप्स मिशन के बारे में, जो कि उन्होंने सेंड किया था ब्रिटिश के तरफ से वो इंडिया आया था, और इसका बेसिकली पर्पस ये था कि ये पोस्ट वॉर के बाद आया था, इसमें आपकी सेल्फ गवर्नेंस थी और जो मिशन था ये फेल हो गया था, बिकॉज जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी उसने इनिशिएट जो गांधी ने इनिशिएट की थी क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें ये था कि उन्होंने डिमांड की थी एक इमीडिएट एंड टू ब्रिटिश रूल की, और उसके अलावा जो मूवमेंट जो थे वो इंटेंसीफाइड की गई थी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के तौर पर भी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई कैबिनेट मिशन 1946। अब इसमें क्या हुआ कि 1946 में आपका कैबिनेट मिशन पर्पस किया गया, इसमें एक यूनाइटेड प्लान था इंडिया के लिए, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इसमें एक डीप सीटेड कम्युनल टेंशन थी और कुछ फेलियर्स थे जो कि आपके कंसेंसस को रीच आउट करे थे, और इवेंचुअली इसमें जो डिविजन ऑफ इंडिया थी वो एक बहुत बड़ा मेजर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी मतलब इशू भी बन रहा था। कॉम्युनल रिसोर्स में रिप्टेड हुई और इसमें अर्जेंसी हाईलाइट की गई सेपरेट मुस्लिम स्टेट के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है द इंडिया
इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसके बाद आपकी इंडिपेंडेंस का सारा जो था वो सिनेरियो स्टार्ट हो गया, जिस तरीके से मतलब इंडिपेंडेंस है जो ड्राफ्ट वगैरह बनाए गए। और दिस इज समथिंग कि यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस हो, ये किया गया कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस है वो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करी थी 1947 में, और एक फॉर्मलाइज डिवीजन थी इंडिया की और क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की। और 14 अगस्त को पाकिस्तान इमर्ज हो गया था इंडिपेंडेंट स्टेट, और उसमें उसकी डिफरेंट किस्म के जो डिकेड्स जो स्ट्रगल थी उनको फॉलो करनी पड़ी। और 15 अगस्त को इंडिया भी एक सेपरेट मुस्लिम जो था वो इंडियन नेशन बन चुका था। ओवरऑल अगर इसकी कंक्लूजन की बात करें तो इसमें जो था एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी जो कि क्रिएट की गई थी पाकिस्तान को बनाने के लिए, और इनका बहुत बड़ा हाथ था पाकिस्तान की क्रिएशन में, और एक सीरीज ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स के तौर पर इन्हें मार्क किया जाता है, एक माइलस्टोन के तौर पर भी मार्क किया जाता है। और इसमें वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल आई 1857 में, उसके बाद आपका जो था एक्ट आया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेन था। की फिगर्स इसमें जो थे वो सर सैद अहमद खान की फिगर थे, मोहम्मद अली जिना की फिगर थे, तो उन्होंने एक पिवोटल रोल प्ले किया था आपके पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करने में। और ये जो मूवमेंट है इसमें बेसिकली ये थी इसलिए कि इसमें मुस्लिम्स की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, और हिंदू इंडिया जो थे उनके जो मतलब उन पर प्री डोमिनेंट आ रहे थे उनको भी ख़त्म किया जाए, उनकी जो डोमिनेंस है उसको कम किया जाए। और ओवरऑल इस जो मूवमेंट थी इन्होंने पाकिस्तान की क्रिएशन में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस का जो इंडिपेंडेंट स्टेट का जो ओवरऑल प्रोसेस था उसमें काफ़ी ज़्यादा की रोल प्ले की है। टॉपिक नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर डिस्कस की गई कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट्स। अब ओवरऑल जिसमें बात की गई फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि डिक्लेरेशन ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया 1858 को डिस्कस किया गया। अब यहाँ पे हुआ ये कि जो फॉर्मल कॉलोनाइजेशन थी इंडिया की वो डिक्लेयर हुई 1858 में, और जिसमें मतलब कि इंडियन रिबेलियन ने बाद 1857 में जो जंग हुई उसके बाद ओवरऑल कॉलोनाइजेशन शुरू हो गई थी। अब इस रिबेलियन में जो फर्स्ट वॉर थी वो थी इंडिपेंडेंस की, जिसको एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट के तौर पे याद किया जाता है ब्रिटिश पॉलिसी में। इसमें क्वीन विक्टोरिया जो थी वो एक प्रोक्लेम इम्प्रेसर थी इंडिया की, और जो ब्रिटिश क्रॉन था वो डायरेक्टली जो था वो उनकी जो टेरिटरी थी वो कंट्रोल करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब यहाँ पे ये जो मार्क था इसको एक एज आ इंडियन हिस्ट्री के तौर पे एक बड़ा वो सिग्निफिकेंटली इसको देखा जाता है, और उसकी जो सेटिंग ऑफ स्टेट्स था वो सबसीक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिवेलपमेंट्स में आता है। नेक्स्ट बात की गई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया एक्ट 1861। अब यहाँ पे जो ये डिस्कस किया गया कि किस तरीके से जो काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें जो एक्ट है 1861 का वो कैसे एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा। सो अंडर द जस्ट अंडर द ब्रिटिश रूल्स उसका बहुत ज़्यादा लेजिस्लेटिव्स बने, और उसमें उसको फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन थी एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया टू ईस्ट इंडिया कंपनी उसको देखा गया, और जो फिर उसके पहले वो इंडिया था, फिर इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, फिर वहाँ से ब्रिटिश क्राउन, और फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया एक सिस्टम ऑफ लेजिस्लेटिव का, और एक एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को जो था वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया और इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें कुछ की प्रोविजन इंक्लूड है जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नर जनरल था काउंसिल, जिसमें आपके 5 मेंबर्स इंक्लूड थे, उसके अलावा इसमें गवर्नर जनरल की एक थी, उसके अलावा इसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इंट्रोडक्शन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर प्रोविंसेस, और थर्ड पर उन्होंने क्या किया कि प्रोविंशंस ऑफ फॉर इंडिया रिप्रेजेंटेशन द गवर्नमेंट फॉर फर्स्ट टाइम, प्रोविंशंस ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेशन भी करवाई गवर्नमेंट की फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ओवरऑल उन्होंने ये सब जो चीज़ें थी उनको जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद यहाँ पे बात की गई कि किस तरीके से ये जो एक्ट है ये ग्राउंड वर्क में लेट करता है आपकी रिफॉर्म्स में, किस तरीके से डिग्री ऑफ इंडिया को पार्टिसिपेट कर रहा है। काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट की बात की जाए तो इसमें जो डिस्कस किया गया 1892 इसमें डिस्कस ये किया गया कि जो काउंसिल ऑफ इंडिया है वो रिप्रेजेंट कर रही थी सेकेंड मेजर स्टेप को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डिवेलपमेंट में, और ये इसका एम ये था कि आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल को इनलार्ज करे, और जो आपके सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल हैं दोनों जो सतह हैं उन पर भी इसको इनलार्ज करे, और उसको बड़े एक्सपेंशन के तौर पर लेके आए। अब यहाँ पे इसके कुछ की फीचर्स इंक्लूड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि इसका जो सेंट्रल काउंसिल था जिसमें 16 मेंबर्स थे और जिसमें प्रोविंशियल काउंसिल्स की 20 मेंबर्स है उनको एक्सपेंड करना था। सेकेंडली ये था कि वो प्रोपोर्शन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज करे। थर्ड पर जो आपके राइट्स है जो कि क्रिटिक्स जो कि आपके मतलब
जो काउंसिल्स के राइट थे उनको वो आपको दिए जाएं, जो इंटरनेशनल मतलब इंडियंस के जो कॉन्स्टिट्यूशन से उसमें, और जो दूसरा है कि जो क्रिटिक है बजट का उसको भी डिस्कस किया जाए। ओवरऑल ये जो एरिया था या ये जो एरा था उसको मार्क किया जाता है कि एक इम्पोर्टेंट स्टेप था टुवर्ड द इंडियन ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट इन लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस। नेक्स्ट यहाँ बात की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। अब इसमें जो था वो इसको भी एज अ मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स के तौर पे जाना जाता है, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1909 ये एक रिस्पॉन्स था आपकी, जो आपने जो लोगों ने जो आपके लीडर्स ने डिमांड की थी, स्पेशली सर आगा खान ने सिमिलर डिपोजिशन की लेट पर, कि उन्हें एक सिग्निफिकेंट फीचर चाहिए, उन्हें 1906 में उन्हें एक सिग्निफिकेंट कंट्री चाहिए। अब इंट्रोडक्शन अगर इसको देखें तो इसमें उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो था वो सेपरेट इलेक्टोरेट का इंट्रोडक्शन करवाया मुस्लिम्स के लिए, वो एक क्रूशियल स्टेप था जिसमें आपकी कॉमन आइडेंटिटीज को एक्नॉलेज किया जाना था। सेकंड पे जो बात की गई वो ये कि जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल से उनके एक्सपेंशन की जाए, और इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोडक्शन करवाया जाए, उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उनको इस्टेब्लिश करवाया जाए, और उसके बाद एक नॉन ऑफिशियल मेजोरिटीज को ग्रांट की जाए प्रोविंशियल काउंसिल्स में, और उसके अलावा जो था उसकी जो ऑफिशियल मेजोरिटीज थी उस सेंटर की वो भी रिटेन रहनी चाहिए। ये ओवरऑल जो एक्ट था ये भी एक माइलस्टोन था आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में मुस्लिम्स की, जिसमें उन्होंने फ्यूचर कॉम्युनल पॉलिसीज के लिए एक स्टेज सेट किया था। थर्ड पे यहाँ डिस्कस किया गया गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919। अब दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स। अब इसमें क्या हुआ कि इसको आपके जो एक्ट है इसको जाना जाता है मोनोटोंगो सेल्फ फॉर रिफॉर्म्स के तौर पर। इसका एम ये था कि इन्होंने सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड स्टार्ट कर दी थी। उसके की फीचर्स में था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सिक्सटी सेवन मेंबर थे उनको एक्सपेंशन कीजिए। सेकेंडली इसमें था कि ये वाइसरॉय के एस्टेब्लिशमेंट हो रजिस्ट्रेटर्स में, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है और जो इंडियन लेजिस्लेटिव है उसकी असेंबली बने, और उसके अलावा इसमें डायरेक्टली का इंट्रोडक्शन करवाया गया प्रोविंशनल लेवल्स पे, और इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पर थी और इंडियन मिनिस्टर्स पर थी उसकी डिवाइडेशन भी की जाए। फर्दर ये जो एक्ट है ये एक्सपेंड होता है कि आपकी जो इंडियन पार्टिसिपेशन थी वो किस तरीके से गवर्न की गई, और जो रिटेन सिग्निफिकेंट पावर्स थी वो किस तरीके से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में रखी गई, उसका जो लीडर था वो कैसे इंक्रीज हुआ आपकी डिमांड के लिए फॉर द सेल्फ गवर्नेंस। नेक्स्ट यहाँ डिस्कस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस इज समथिंग, इसमें जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक वो मेजर कॉम्प्रिहेंसिव पीस था आपके लेजिस्लेशन में, और इसको ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसमें मेन प्रोविजंस इंक्लूड थे जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल था फेडरेशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करना, जो कि आपके जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था आपके बहुत प्रोविंशियल और प्रिंसियल स्टेट्स में। सेकेंडली प्रोविजनल ऑटोनॉमी को एक क्लियर डिफाइंड फेडरल प्रोविजनल और कॉन्क्रेंट लिस्ट और सब्जेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाना। थर्ड पे यहाँ बात की गई कि जो क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस है उनको देखा जाए, सिंध को और नॉर्थ वेस्टर्न जो फॉरेन टेरिटरीज थे उनको भी देखा जाए, एंड WFP की जो आपकी बात की गई थी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात हुई कैबिनेट मिशन के बारे में। सो कैबिनेट मिशन इज समथिंग के इसमें डिस्कस किया गया कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, कि जो कैबिनेट मिशन है आपका वो क्रूशियल स्टेप था टुवर्ड योर इंडियन इंडिपेंडेंस, और इसका पर्पस ये था कि वो एक यूनियन जो थी एक इंडियन यूनियन कह लें कि जो फेडरल स्ट्रक्चर की यूनियन थी उसको कम्प्रोमाइज करे आपके ब्रिटिश इंडिया में और प्रिंसियल स्टेट्स में। फर्दर ये हुआ कि ये जो प्लान था ये फेल हो गया था डिसएग्रीमेंट्स की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में, और फिर उन्होंने वो उसकी वजह से कम्युनल टेंशन जो थी वो लीड अप आ गई थी, और इवेंचुअली जो था वो पार्टीशन स्टार्ट हो गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस की बात की गई है नेक्स्ट। सो दिस इज समथिंग के एक्ट 1947। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था वो फाइनली लेजिस्लेटिव एक्ट था, जो कि आपकी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा वो एड था पाकिस्तान और इंडिया के दो
जो दो सेपरेट डोमिनेंस थे उनके बारे में। इसमें कुछ की प्रिवेंशन क्लूड थे और वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि टर्मिनेशन होनी चाहिए ब्रिटिश सुवरेनिटी की ओवर द इंडिया। सेकेंडली, एक डिवीजन जो थी इंडिया की उसको दो डोमिनेंट तरीकों से किया जाए, इंडिया और पाकिस्तान में, और जिसका ट्रांसफर है वो लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी हो और इसमें जो रिस्पेक्टिव डोमिनेंट गवर्नमेंट्स हैं उनको भी देखा जाए। ओवरऑल ये जो एक्ट था ये रिसीव करा था एक रॉयल असिस्टेंट को और 18 जुलाई 1947 को ये इफेक्ट में, और 15 अगस्त को इंडिया की भी पार्टीशन हो चुकी थी। और इस तरीके से एक लॉन्ग स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को प्रोसेस स्टार्ट हुआ, रियलाइजेशन भी कि मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी सेपरेट स्टेट की उसको देखा गया। ओवरऑल जो इसमें बात की गई है इस पूरे टॉपिक में वो ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट थी उसने किस तरीके से इंडिया को स्पैन किया है मिड 19th सेंचुरी में टू 1947, और फिर उसकी कैरेक्टराइज जो सीरीज थी वो किस तरीके से एक्ट की, उसके पॉलिटिकल मैन्यूवर्स क्या थे, और उसमें इंडियन पार्टिसिपेंट ने किस तरीके से इंक्रीज किया डिस्टिंक्ट रिलीजन, सोशल पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो थी हिंदू और मुस्लिम की, किस तरीके से उनके साथ ब्रिटिश पॉलिसीज को डिवाइड एंड रूल का सारा प्रोसेस था वो, और किस तरीके से इन सब चीज़ों ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया मुस्लिम्स की और इंडियंस की डेवलपमेंट को शेप करने में। फर्दर इसने हमने बात ही की कि जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स का इंट्रोडक्शन करवाया गया, क्रिमिनल आइडेंटिटीज को रिकॉग्नाइज करवाया गया, सेपरेट डिमांड रखी गई की एक मुस्लिम स्टेट के लिए, सर्कमलेशन हुई, डिफरेंट किस्म की एफर्ट्स की, इंडियन इंडिपेंडेंस का एक्ट आया 1947 में जिसके रिजल्ट में पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ, क्रिएशन हुई पाकिस्तान की, और ये जो सब चीज़ें थी ये रिफ्लेक्ट करती थी एसेपरेशन को आपकी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन को, सोवरेनिटी को, और ये जो मूवमेंट ओवरऑल थी ये सिग्निफिकेंट है आपके एज अ माइलस्टोन के तौर पर इसको कंसिडर किया जाता है, और ये इवेंचुअल इंडिपेंडेंस और फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू नेशंस को कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं। आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।